मॉर्निंग। और अभी क्या है कि मैं सो के उठ चुका हूँ गाइस, और मेरी मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही होगी, और आपको पता ही मेरे घर वाले मेरे से कितना प्यार करते हैं गाइस। हराम साधे, दोपहर के 12 बज रहे हैं, सुबह नहीं हो रही है, जाकर सब्जी लेके आ, ब्लॉगर बने। जा रहा हूँ माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल 72, कैमरामैन 74 के साथ मैं 76। क्षेत्रमा विधानसभा से कबड़ों से रूबरू करवाने के बाद हम सीधे पहुंच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां पे आपको मिलेंगे जहां पे मिलेंगे इन्फ्लुएंसर से और बहुत सारे यूट्यूबर से। सर, गांधी मैदान में बड़ा भीड़ है, कि मेरे फैंस ना दिख जाए। ओह माय गॉड, मैं तो मास्क लाने भूल गया। अच्छा कोई नहीं, थोड़ा ब्लॉग बना लेता हूँ। तेरी बहन की फट गई, फट गई मेरी। किसी ने देखा तो नहीं, किसे पूछो यार। भाई साहब इधर आना थोड़ा। मैं दूसरों का नहीं देखता हूँ भाई, देख लो भाई। अच्छा, आपको कुछ स्पेशल है क्या भाई? देख लो ना यार, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। फट गई क्या? नहीं फटी है। ये बड़े तो पक्की फटी होगी। अच्छा बोलो तो मैं आपकी फाड़ दूँ। क्या बोला बे? क्या फाड़ दूँ? तू मेरा फाड़ेगा? मैं बोल रहा था मैं आपका पेंट फाड़ दूँ। खामखा गुस्सा हो रहे हैं आप। अच्छा भाई, मुझे पहचाना क्या? नहीं पहचाना। आप पहचाना? अभी नहीं पहचाना। यो चुकिंदर, तो हरफाई का हो जाएगा। यो चुकिंदर, थारा भाई चुकिंदर। अब पहचाना? नहीं पहचाना। यो चुकिंदर। ओए भाई, ओ क्या हुआ? तेरी बहन के लग गई है। अरे भाई, अब पहचाना भाई? अरे नहीं पहचाना। अभी नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। अरे रुको भाई, रहने दे भाई। कहां से पागल लोग आ जाते हैं? हेटर्स होंगे। आज मैं जा रहा हूं BMW की शोरूम में कार खरीदने के लिए गाइस, और मेरे दोस्त दीपक दलाल से भी आज मेरी बात हुई है। आज हम दोनों की मुमु करने की बात हुई है गाइस। यार तो लिफ्ट देने वाला नहीं मिल रहा मुझे, कार के शोरूम तक कौन छोड़ेगा आज? अरे भैया, भैया वो थोड़ा लिफ्ट देंगे क्या मुझे? कहाँ जाना? वो BMW का शोरूम जाना था। क्या करना है? वो BMW का कार ले रहा था गाइस, मेरे फैन है गाइस, मुझे रोक लिए। पहले स्कूटी तो ले, BMW कार खरीद ले। देखा तो नहीं कोई? सानू रेडी है? रेडी हो चंदन? नंदन? ओके। कैरेक्टर में एकदम पूरा घुस जाना है और पूरा एकदम बढ़िया से, ठीक है? तुम थोड़ा सा रोने वाला टाइप से एकदम, मतलब वो वाला। हाँ हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं XYZ प्रैंक। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि हमारे साथ एक घटना है, मतलब एक आदमी है। नाक से देख सकते हैं, न कान से बोल सकते हैं, सॉरी सुन सकते हैं, और ना ही मुंह से बोलते हैं। मैं सोचा हाउ, कैसे एक इंसान के जिंदगी में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, और कैसे इंसान सह रहा है? अगर आम आदमी के साथ अगर ऐसा कुछ हो, उसकी गांठ फट जाए भाई, मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम जानेंगे चंदन भाई से कि कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे वो पैर से लंगड़े हो गए, इनके फेफड़े में हड्डी गल रहा है और इनका जो अतरी है उसमें दिक्कत आ गई है, और बहुत सारी परेशानियां हैं इनको, बवासीर के भी मरीज हैं। तो चंदन भाई बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपके साथ ये कैसे हुआ? जी लड़वा जी वर्मा। अच्छा वर्मा जी, हाँ बात ये है ना कि हम एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी बातों को सुनते सुनते हम बहरा हो गए, उसके प्यार में इतना पागल हुए कि हम अंधा हो गए। उसके पीछे पीछे चलते चलते हम लंगड़ा हो गए।
क्यों किसी को मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिलती है, और मोहब्बत के बदले जैसे भाई को अंधापन, बहरापन, लंगड़ापन, गुर्दे का बीमारी और बवासीर तक की परेशानी, प्यार में बवासीर हो जाए। कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो चंदन भाई है लड़वा नहीं वर्मा, हम आपको दो बार नाम बता चुके हैं, वर्मा। 14 टाके पड़ेंगे चंदन, पेट का है टो रहे हो, टाका पड़ेगा। हाँ, तो ये जो बवासीर की बीमारी है, ये पहले बीमारी का इलाज कराएंगे, और उसके बाद से जो इनके फेफड़े में, सॉरी, इनका तो हड्डी गल रहा है, ये प्यार में खून की भी उल्टी आती है, कभी कभी खून की उल्टी आती है, रातों में छटपटाहट, तरतराहट, मिनमिनाट, चिनचिनाट, मिनमिनाट, किनकिनाट, तिनतिनाट, इन सब तरह की तकलीफें होती है। ये पूरी तरह से इश्क का रोग है भाई साहब। और दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, कोई लड़की किसी भी लड़के की जिंदगी क्यों बर्बाद करती है? सॉरी चंदन, मैं पूछना चाहता हूँ, और चंदन भाई की ये हालत मुझे नहीं देखी जाती, ये लंगड़ा है एक पैर से, सॉरी लंगड़ा है एक पैर से, इनके पैर का इलाज करवाएंगे, आंखों से देख तक नहीं पाते, और इनके आंखों का इलाज कराएंगे। क्या उंगली है? दो उंगली है, मैंने इसे दिखाया, ये दो उंगली समझ रहे हैं। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, अब बस आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए, अगर इसके आगे का पार्ट देखना चाहते हैं, उस लड़की का पर्दाफाश आप करवाना चाहते हैं, तो बोलिए आप हमसे। यार फैला दो यार। कट हो गया सानू? हो गया। तुम्हारा कट हो गया? काट दो। हाँ। पैसा लाइए, अब हम जा रहे हैं। 500 रुपया लाइए। 500? हाँ। 500 ही है? ये क्या भिखारी लगा चिल्लर दे रही? 5 रुपए का भाड़ा लगता है, रख भी तू, अगला बिल देंगे ना भाई? नहीं भाई, 5 अरे यार, इतना रोए देख रहे हैं ना आप? अरे तुम्हारा 5 रुपए बस के भाड़ा लगा हूँ भाई। अरे भाई रख नहीं यार, क्या भिखारी लग रहा है आपको? यार गजब एकदम बात कर रहे हैं, बेइज्जती करवाए यार। तो पिछला देवर भाभी वाला एपिसोड में रखे थे 300 दिए थे कि नहीं? नहीं भाई, 5 रुपए बनता है, जिसमें बाबा सीर कहलवाए, पहरा कहलवाए, लंगड़ा कहलवाए, इतना बेइज्जती करवाए तो 300 रुपया। अरे यार रखो नहीं यार। नहीं भाई, 5 रुपए नहीं, 5 रुपए भाड़ा दे देंगे ना, हम कर देंगे, हम पैदल खुद जाएंगे भाई, पैदल जाने वाले। हेलो हेलो हेलो, अरे नमस्कार सर। अरे यार जान, नमस्कार सर। ओ आतिर रोहित वर्मा है ना? कि कौन सा चैनल है इसका? एक्सवाइजेड फ्रैंक है। एक्सवाइजेड फ्रैंक है। ओ तो इस तरह से आप फेक आर्टिस्ट रखते हैं? आर्टिस्ट नहीं है, मैं आर्टिस्ट नहीं है। तब कौन? ये मतलब कि अपना मतलब कि दुख बताने आए थे ये हमारे से। ये 5 रुपए लगे ना मेरा? मेरा काम हो गया, चल जाए। हम ऐसे पैसा मांग रहा आपसे? हम मदद करते हैं ना बहुत सारा, मतलब मदद क्या करते हैं? 5 रुपए पहले देखिए, देखिए किस तरह लोगों को चुतिया बनाते हैं, पागल उगल हैं, किस तरह आप आम दर्शक के मारते हैं, ये पूरी तरह दिख रहा है। कभी कभी हो जाता है, मतलब कभी कभी आर्टिस्ट आप समझिए, मतलब कंटेंट बनाने के लिए करना पड़ता है आपको, छोड़िए नहीं सुन। नो कमेंट्स। तो आपने देखा कि एक्स वाई जेड प्रैंक वाले रोहित वर्मा जी किस तरह से लोगों को चूतिया बनाते हैं और किस तरह से लोगों को गांडू। तो हेलो गाइस, छिदिया फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है, और हम आ चुके हैं गांधी मैदान, और तो देखिए मैं पहुंच चुका हूं यहां चिनिया बादाम वाले के पास। तो हेलो भैया, हाय करिए पब्लिक को। क्या हाय? हाय हाय हाय। हाँ तो भैया बादाम कैसे है? 20 रुपया के थौ ग्राम। कई को दाना चढ़ेगा भैया 100 ग्राम में? अब दिने थोड़ी ना दें, तय को दाना तरता है, और थौ ग्राम मिलता है 100 ग्राम दे देंगे। चलिए भैया। यही पे मतलब लॉकडाउन कोरोना में हम लोग खाली बंद कर दिए थे, जाइए ना आदे मुँह ताक है दांधी मैदान में। पहले हमारे बाबा बेचते थे, पहले हमारे बाबू बेचते, फिर हम बेतला है। मेरा बेटा भी बेचता, कल होते वो भी बेचता, तो इतना तो थार कैतन कथी है। तो पढ़ाइएगा नहीं अपने बेटा को? पढ़ाएगा, आजकल स्कूल में पढ़ाई होता था, अब खाली थोली पताता है। देखिए ये हो गया आपका 20 रुपया का चिलिया बेदा। आप भैया चटनी में क्या क्या मिलाते हैं आप? देखिए ये है पहाड़ों में थैलाया हुआ, ये है ताला नमक। अच्छा ताला नमक देते हैं? नहीं देते, ताला नमक यही होता है।
दीदा देखिए ये काला नमक है, ये ताला नमक है, इसमें तीन चार रंग का लगता है गिट्टी बालू मिला है, पहाल में से है, नमक होता है, पहाल नमक का पहाल होता है। अच्छा ताला नमक पहाल होता है, नमक है। अच्छा ये ताला नमक है आपको पहालो तालमत, इसमें ये नमक डाल दिए ठीक है, और इस नमक के ऊपर हम दे देते हैं ये मिलती चलिए मिर्ची मिलती मिलती और इसमें है मूली भैया, इसमें अदरक है, मिर्ची की मूलती भैया मिलती, मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक का उड़ाएंगे भैया, बात कर लीजिए। तो इन भाई को सपोर्ट करिए, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, लिंक 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 हमारा तो लिंक नहीं है, गांधी मैदान में गए तो हम बताते सीधा सामने में, ठीक है भैया। तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए भैया, दम इतना दूर से तिल्लाल है, दोनों आदमी पागल हो गए, दोनों एकदम काम कर रहे हैं भैया, हम सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है भैया, तो मिलते हैं, मिलते क्या 20 रुपया दी है ना, दी तीर लिए है ना आप दी भैया, तब बस हमको दिखाना ना था, वो वीडियो बनाने के लिए चल रहे थे, इतना देर से हमारा सबसे टाइम पास कर रहा है, अरे 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 आप तो छेदिया फुटबॉलर है ना जी भैया, अब फुटबॉलर देखिए तो यहाँ आप तो फुटबॉलर है ना जी जी, फुटबॉलर नहीं हमारा अच्छी है, वीडियो बना करके हमारा 20 रुपए का चिनिया बादाम का पैसा नहीं दिया है, ओ आप चिनिया बादाम बेचने वाले हैं ना गेट नंबर 7 पे ना, चिनिया बादाम बेचते 20 रुपए, अरे कैसे कैसे करते हैं 20 रुपया के, काम करो पर काम कर, दोबारा दिखाना नहीं ना बाबू, फुटबॉलर नहीं लूट ब्लॉक कर दे। हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ यार, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।